वालेकुम वेरी वेलकम टू चैनल मीद है आप लोग सब खरीए से होंगे मैं इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ़ लीगल सिस्टम के वाले से बताया था और मैंने आपको काइंट्स या टाइप्स आप उसको कह सकते हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ जो है ना वीडियो शेयर की थी तो बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो है वो ये है कि लीगल सिस्टम और उसके सोर्सेज के वाले से है तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन शॉर्ट्स बता दूँ कि बेसिकली लीगल सिस्टम होता क्या है जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी वीडियो में इंट्रोडक्शन में काफ़ी जो है ना डिटेल के साथ बताया था कि लीगल्स कोई भी लॉ है ना किसी भी कंट्री में ठीक है किसी भी कंट्री में कोई ना कोई तो लॉ होगा उसको जो आप इंटरप्रेट करते हो और उसको जो इम्प्लीमेंट करवाते हो ठीक है उसको बेसिकली लीगल सिस्टम कहते हैं ठीक है कोई भी लॉ है उसको आप इंटरप्रेट या उसको इनफोर्स करवाते हो आप इंटरप्रेट आप कैसे करवाते हो ठीक है आप इंटरप्रिटेशन कैसे आपकी जो इंटरप्रिटेशन करती है अब वो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको इंटरप्रिट करने वाली कौन से अधार है वो है जुडिशरी का ठीक है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले कौन से इंस्टीट्यूशन है ठीक है पुलिस वगैरह हो गई ये सारे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ठीक है एफ आई एन है वगैरह ठीक है ये जो है ना सारा ये जो इंटरप्रिट और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है उसको बेसिकली जो है ना हम लीगल सिस्टम कहते हैं ठीक है और इसमें जो है ना डिफरेंस जितनी भी पॉलिटिकल सेटअप्स uh, है ठीक है उसका जो है ना डिफरेंट जो है ना लीगल सिस्टम होता है वर्ल्ड uh, वाइड की अगर हम बात करें तो हर कंट्री का अपना लीगल सिस्टम है किसी ने जो है ना उस अपनी जो जो, जो इन्फोर्समेंट करवाते हैं एजेंसीज़ या जो इंटरप्रीट करती हैं उनको ज़्यादा पावर दी है ठीक है किसी कंट्रीज़ ने उसको कम पावर दी है लेकिन यह कि इसको जैसे कि आपको पहले पता ही है कि जो आप लीगल सिस्टम है उसको तो आप आइसोलेट कर नहीं सकते और दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ठीक है पाकिस्तान का लीगल सिस्टम अगर हम चाइना की बात करें ठीक है अगर हम इंडिया की बात करें अगर हम ब्रिटिश की बात करें अगर हम यू की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में वो कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करें ठीक है पाकिस्तान में इंडिया में या चाइना में तो वो फंडामेंटल राइट्स का थोड़ा डिफरेंस होगा ठीक है किसी इव, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पाकिस्तान इंडिया या चाइना के एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ड्यूटीज़ ज़्यादा बताई हैं ठीक है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है ना फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा बताए हैं ठीक है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने जो है ना ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों के वाले से बताया हुआ है ठीक है कि आपकी कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं जो कि कंपलसरी आपने परफॉर्म करनी करनी है ठीक है वैसे तो ड्यूटीज़ बता दी जाती हैं आपको कि आपने टैक्स वगैरह जो है ना पे करने हैं और लॉ को वायलेट नहीं करना लेकिन उसके अलावा भी कुछ ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हम मलेशिया वगैरह की बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर कोई पर्सन होगा आर्मी में सर्व ज़रूर करना है ठीक है एक दो तीन साल तो ये जो ना सिस्टम है किसी कंट्रीज़ में को उसने अप, अपनी आर्मी में सब लेकिन ये कि जो लीगल सिस्टम है ये कहीं ना कोई कनेक्टेड होते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से अब किसी भी मुल्क में चले जाएं ठीक है जब तक आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं करोगे तो आपसे आपके जो लाइफ और लबर्टी है वो नहीं छीन सकते ठीक है, है? आपसे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन वगैरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जब तक आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं करोगे ठीक है मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं करोगे तो तब तक आपसे जो बेसिक जो आपके राइट्स हैं वो आपसे नहीं छीने जा सकते जो कि बेसिक राइट्स में सबसे पहले आता है लाइफ ठीक है और लबर्टी ये दो जो राइट्स हैं आपसे नहीं छीने जा सकते किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ उसके बाद जस्टिस ठीक है रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो बहुत से पाकिस्तान में भी आप अगर आप पेम्बल देखें और कॉन्स्टिट्यूशन में देखें ठीक है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ें और प्रियम्बल्स इसका पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो सवेरेटी है वो अल्लाह तला की होगी लेकिन जो सुपरमेसी होगी वो जो ना कॉन्स्टिट्यूशन की होगी ठीक है सुपरमेसी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो पाकिस्तान है नाइनटीन उसकी जो है ना सुपरमेसी होगी ठीक है उसके बाद पीस ट्रेड गुड गवर्नेंस के वाले से ठीक है डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं बहुत ज़्यादा और उनके जो आपस के लीगल सिस्टम है वो काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ठीक है तो बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारे लीगल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ा है वो इसी यही इम्पेक्ट है कि पहले बेसिकली आपको मैं ये बता दूँ कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि जैसे आपने बहुत सारा नाम सुना होगा ग्लोबल विलेज ठीक है एक्सपोर्ट करते हैं गुड एंड सर्विसेज ठीक है ग्लोबलाइजेशन ये है कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आप जो है ना कहीं भी किसी पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठ के सुन रहे हैं ठीक है आप किसी थर्ड uh, पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं आप आपका अगर रिलेटिव्स आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं तो आप उनके साथ वीडियो वीडियो से वीडियो में बात कर सकते हैं तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट है ठीक है तो ये बेसिकली जो है ना लीगल सिस्टम पे भी इसका इम्पेक्ट पड़ा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उसके बाद इसके सोर्सेज हैं ठीक है पहला जो है लीगल सोस है जिसको आप फॉर्मल सोसेज भी कह सकते हैं और दूसरा जो है ना नॉन लीगल सोर्सेज है जिसको आप इनफॉर्मल सोर्सेज भी कह सकते हैं ठीक है लीगल सोर्स में कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ आता है ठीक है और uh, लेजिस्लेशन आती है प्रेसिडेंट आता है जिसको केस ला सकते हैं आप एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन आता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट आता है ठीक है ये बेसिकली लीगल सोर्सेज की जगह पे जो लीगल सोर्सेज की जगह आप फॉर्मल सोर्सेज भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जो है ना नॉन लीगल सोर्सेज और इसकी जगह जो है ना आप इनफॉर्मल ठीक है सोर्सेज जो है ना उसका लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं उसमें जो है ना कस्टम्स आते हैं ठीक है रिलीजन आते हैं और जूरीस राइटिंग जो डिफरेंट जूरिस थे उन्होंने जो है अपने जो है ना लॉ में काफ़ी काम किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें जैसे कि लीगल सोर्सेज का अगर हम सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा है कि लीगल सिस्टम का बेसिक काम क्या है ठीक है लीगल सिस्टम कहते किसे हैं कि जो भी चीज जो भी इंस्टीट्यूट जो है ना लॉ इन्फोर्स कर रहा है और उसको इंटरप्रिट कर रहा है तो उसको जो है ना हम लीगल सिस्टम कहते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया फर्ज़ करे आपने अगर कोई लॉ को, को इं, इंटरप्रिट करना है तो वो सबसे पहले हम कहाँ से कंसल्ट करेंगे उसका सबसे पहला सोर्सेज क्या होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ठीक है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है उसका सबसे पहला सोर्सेज हम कहाँ से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ठीक है तो बेसिकली जो लीगल सिस्टम का पहला सोर्सेज आता है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आता है और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो ओ, हमें जो थ्री वेज के वाले से बताता है ठीक है जिसमें सबसे पहले सुपर में सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है ठीक है उसके बाद ये डिफरेंट पावर्स को एलोकेट करता है ठीक है लेजिस्लेशन के वाले से एग्जीटिव के वाले से जुडिशरी के वाले से ठीक है उसके बाद जो है ना ये जो एलोकेट द पावर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड द स्टेट जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट के वाले से अगर आप पाकिस्तान के में भी बात करें तो पाकिस्तान में जो है ना इस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ठीक है प्रोविसेज के पास अपनी पावर्स हैं एटीनथ अमेंडमेंट्स के बाद तो हम एटीनथ अमेंडमेंट्स पे भी कभी जिक्र करेंगे हम लेकिन ये कि उसमें जो प्रोविसेस के पास अपनी पावर्स हैं ठीक है और जो है ना फेडरल के पास जो है ना अलीदा से पावर्स हैं तो ये बेसिकली जो है ना हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमें ये सारी चीज़ें बताता है उसके बाद लेजिस्लेशन इसका जो है ना सोर्सेज में आता है लीगल सोर्सेज में लेजिस्लेशन का आपको मतलब पता होगा कि जो जो भी बॉडी जो है ना लॉ मेकिंग करती है जो जो भी इंस्टीट्यूट जो है ना लॉ मेकिंग करता है और पाकिस्तान में जो लॉ मेकिंग करने वाली बॉडी है वो मजलिस से छोड़ा है ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली इसको मजलिस से छोड़ा लिखा गया हुआ है जहाँ पे भी पार्लियामेंट का जिक्र आएगा ना उसके सामने ब्रैकेट में जो है ना मजलिस से छोड़ा का भी जो है ना साथ लिखा होगा इसमें जो है ना सुप्रीम लजस्लेशन होती है ठीक है जो सुप्रीम लजिसलेशन होती है वो सिर्फ वो पर्सन कर सकते हैं जिनको उसकी अथॉरिटी है ठीक है लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है ना वो सिर्फ वही वो पर्सन कर सकते हैं जो कि असम्बलीज़ में बैठे हैं नेशनल असम्बली या सेनेट में ठीक है उनके अलावा किसी थर्ड पर्सन के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो जो है ना कोई लॉ बना बनाएँ और उसको इम्प्लीमेंट हाँ ऑर्डीनेंस के वाले से ए, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनेंस और ऑर्डर वो एक लहदा से कॉन्सेप्ट है लेकिन लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो जो है ना कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती और उसमें ये है कि उसमें अगर किसी ने लॉ में अमेंडमेंट करनी है ठीक है उसको रिपेल्ड करना है तो वो जो है ना सारे अथॉरिटी जो है ना लेजिस्टिव के पास होती है वो किसी और बंदे को उसको ना कंट्रोल या किसी किसी और बंदे को वो पावर जो है ना डेलीगेट नहीं कर सकती लेकिन जो कुछ पावर्स ऐसी होती हैं ठीक है एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ और जो सब ऑर्डिनेट होती है इसमें ये होता है कि जो लेजिस्लेटर होते हैं ना उन्होंने कुछ पावर्स जो है ना दूसरों को भी दी होती हैं ठीक है उसमें जैसे कि आपने पार्ट वन में भी पढ़ा होगा कि इसमें जो है ना फाइव काइंड होती हैं एक कलोनियल लेजिस्लेशन कलोनियल लेजिस्लेशन इसे करके पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश इंडिया था ठीक है बेसिकली वो सब कॉन्टिनेंट था लेकिन वहाँ पर ब्रिटिश थे और वो जो ना अपने मुताबिक लॉ को इम्प्लीमेंट जो है ना कर रहे थे उसके अपने मुताबिक इंटरब्रिटेशन करते थे अपने मुताबिक लॉ बनाते थे तो ये बेसिकली कलोनियल लेजिस्लेशन में आता है ठीक है सुप्रीयर कोर्ट पावर्स टू रेगुलेट देयर ओन जो है ना प्रोसीजर ठीक है उसके बाद जो है ना म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ म्यूनसिपल्स को कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती हैं कि वो जो है ना अपना लॉब ना आ सकते हैं लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई लॉ नहीं बना सकते उसके बाद अटोनोमस लेजिस्लेशन डेलीगेटिव लेजिस्लेशन जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देख लें अपने इंस्टीट्यूट को देख लें तो यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने जो है ना रूल्स और रेगुलेशन सेट किए होते हैं तो ये उनके पास अथॉरिटी होती है लेकिन वो कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना रूल्स और रेगुलेशन जो है नहीं सेट किए होते किसी भी यूनिवर्सिटी में वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही जो है ना उनके पास अथॉरिटी होती है जो उन्होंने जो ना, है ना रूल्स और रेगुलेशन सेट किए होते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट आता है केस ला जो ना, के है जुडिशल के डिसीजन होते हैं जित जो भी डिसीजन देते हैं ना हम अगर आपदा उसे कहते हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके ऊपर लॉ नहीं बना ठीक है तो वो फिर जज जो जज जो होते हैं वो अपनी जो ना एक्सपीरियंस की बेस पे उस पर फैसला सुनाते हैं ठीक है, है? आ, जो उन्होंने उनके पास एक्सपीरियंस होता है जो उनके अपने थाट्स होते हैं उसकी बेस पे जो ना आ, फैसला सुनाते हैं और उसको फिर महफूज रख लिया जाता है ठीक है आ, जो ये बेसिकली जो है ना यूके में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है कॉमन लॉ जो जजिस लॉज होते हैं ठीक है इसको एज आ केस लॉ के तौर पर भी जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं तो पाकिस्तान में भी जो है ना ये काफ़ी जो है ना जो इसको ना आप इम्प्लीमेंट कामन ला भी इम्प्लीमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा ठीक है पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसके बाद एगरीमेंट एंड कन्वेंशन है ठीक है एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन पहले क्या होता था पहले अगर आपने ये वर्ड सुना हो पेक्टा सेंट सर्वेंडा के वाले से ठीक है इसमें एक दफ़ा लॉन्ग भी आया था सेकेंड ईयर में तो इसमें यह था कि ये बेसिकली जो है ना ऑब्लिगेस ही थे जो एग्रीमेंट्स हैं आप करते हो एक दूसरे के दरमियान किसी एक स्टेट के दूसरे स्टेट के दरमियान ठीक है उसमें जो ओपैक्टस एंड सरवेंडा इसको पहले जो ना लीगल टर्म्स में ये यूज़ होता है ठीक है जिसको आप जो है ना इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स भी कहते हो किसी दूसरी कंट्रीज के दरियान तो कंट्रीज़ ने ना आपस में ट्रेड करने के लिए ना Uh, किए थे एग्रीमेंट्स रूल्स एंड obligation सेट किए थे कि जी हम इस टाइम ट्रेड किया करेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि जो पाइरेट्स है जो समुद्री लुटेरे थे वो वो उनके जो है ना जब वो ट्रेड करते थे तो वो उनका काफ़ी इसके जो पीछे की हिस्ट्री है वो ये है कि जो जब वो ट्रेड करते थे तो वो समुद्री जो लुटेरे थे उनका जो है ना समान वगैरह वो ना लूट लिया करते थे तो फिर उन्होंने एक टाइम लिमिट सेट की थी कि जी हम हम इस टाइम जो है ना ट्रेड किया करेंगे ठीक है और ये रूल्स हैं ट्रेड के लिए और ये है ठीक है उसको भी बाद में जो है ना अपने इंटरनेशनल टेरिटरीज़ में और जो है ना एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन के वाले से जिसमें उसमें जो ना उन्होंने ऐड किया हुआ है ठीक है जिसमें आप दूसरी जो है ना स्टेट के दरम्यान एग्रीमेंट्स करते हो टू इंडिविजुअल्स के दरमियान एग्रीमेंट्स करते हो ठीक है तो ये सारा बेसिकली जो हिस्ट्री है वहाँ से ड्राइव हुई है तो ये भी एक सोसिस है उसके बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है ठीक है वर्ल्ड वार टू के बाद जो है ना उन्होंने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाए थे किसी भी स्टेट के अगर को कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है जैसे कि पाकिस्तान को आपने बड़ा सुना होगा कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान जा रहा है जी वहाँ से कुछ जो है ना पैसे आएंगे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो है ना इकानमी स्टेबल होगी तो ये बेसिकली जो है ना उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट बनाए थे जो कि एज़ आ सोसज़ जो है ना लीगल सिस्टम के एज एजा सोर्स काम करते हैं और ये जो आ, ए, फिर जो इंस्टीट्यूशन है अगर ये आपको कुछ पे करते हैं जैसे कि आपने सुना होगा जी आई ने अपनी शरायत रखी हैं कि ये जो पेट्रोल की प्राइस है ठीक है ये यहाँ से नीचे नहीं होगी ठीक है ग्लोबलाइजेशन का बड़ा इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली अगर आप ग्लोबलाइजेशन का अफेक्ट देखें तो आप देखते हो कि जी पहले पेट्रोल कितना था पेट्रोल जो 230 35 का था तो तब जो पीछे से इंटरनेशनली जो पेट्रोल आ रहा था पाकिस्तान में वो कितने का था तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इक्वली चेक करने के बाद जो है ना आप डिसाइड करते हो तो ये बहुत जो ना ग्लोबलाइजेशन का इम्पेक्ट है और उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है वो जो ना इसमें लीगल सिस्टम में काफ़ी जो है ना वर्क करते हैं जैसे कि आप लोग आपको पता है आई ने काफ़ी जो है ना ऑब्लिगेशन सेट किए हैं कि जी पाकिस्तान अगर ने हमसे कर्जा लेगा तो उसके बदले में वो इतने जो ना टैक्स मजीद इम्पोज़ करेगा अपनी आवाम पर ठीक है जिधर से जो ना वो हमारा कर्जा आसानी से उतार सके तो ये जो इंस्टीट्यूशन भी एजा सोर्सेज आता है उसके बाद जो है ना नॉन लीगल सोसज जिसको इनफॉर्मल सोसज़ भी आप कह सकते हैं ठीक है उसमें सबसे पहले जो है कस्टम जो रास्मोट वाज है वगैरह ठीक है जैसे कि अगर आप पंजाब तो उसके बाद अगर हम पंजाब और के पी के में बात करें आपने पंचायत और जरगा सिस्टम का जो है ना नाम सुना होगा तो ये बेसिकली सारे कस्टम्स ही हैं ठीक है अगर किसी फैमिली में कोई डिस्प्यूट होती है कोई इस तरह का मसला हो जाता है तो बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे उन्होंने जो है ना ये कस्टम्स ही चलते आ रहे हैं कि उनके जो बड़े हैं जिनको फादर फादर भी आप कह सकते हैं कि अगर कोई मसला हो जाता है तो वो फिर बैक थे वो उस डिस्प्यूट उस उस मसले को जो है ना हल करते हैं तो ये सारा जो है ना कस्टम्स में आता है ठीक है अगर उसको आप एज अ ला यूज़ करते हो ठीक है तो बेसिकली उसमें जो है ना ये कुछ असेंशियल होते हैं जो कि वो रीज़नेबल हो ठीक है कन्वीनट हो पीसफुल हो ठीक है किसी स्पेसिफिक जो है ना पर्सन को या स्पेसिफिक जो ग्रुप है उसको हर्ट ना गा रहा हो मोरलिटी पे बेस हो ठीक है मस्ट नॉट बी कन्फ्लिक्ट विद स्टैचूट लॉ ऑफ द कंट्रीज ठीक है तो ये कुछ असेंशियल कस्टम्स कस्टमरी लॉ के जो के रस्म व जो है ना चलते आ रहे हैं ठीक है तो ये बेसिकली जो है ना ये भी एक जो है ना सोर्स में आता है इसके जो नॉन इनफॉर्मल सोस या नॉन लीगल सोर्स में उसमें उसके बाद जो, जो है ना रिलीजन आता है ठीक है रिलीजन् के लॉज जो हैं जैसे कि मैंने हमको लीगल uh, uh, इसकी जो लीगल सिस्टम की टाइप्स में भी बताया था कि जो चर्च थे वो मैरिज के वाले से डिवोर्स के वाले से जो ना लाभ ना देते प्रॉपर्टीज़ के वाले से लाभ ना देते ठीक है उसके बाद हलाका के वाले से मैंने बताया था कि जो शरिया के वाले से बताया था ठीक है कि इस्लाम इसके वाले से जो ना, क्या है क्या कहता है ठीक है उसके बाद जो, जो है ना रिलीजन जो है रिलीजन्स के आ, इस्लाम इस्लाम के वाले से भी ठीक है जो शरिया लाया पाकिस्तान में जो इम्पोज हुआ है तो ये रिलीजन् भी जो ना सोर्स हैं नॉन लीगल सोर्स के वाले, आ, आते हैं लीगल सिस्टम के ठीक है उसके बाद इसमें जो नेचुरल जस्टिस के वाले से जो ना बात की गई थी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है नेचुरल जस्टिस के असूल हैं ठीक है वो बेसिकली थ्री तीन असूल हैं उसमें सब सबसे पहले आता है वो निमोजुडेक्स आता है ठीक है इसमें ये आप बेसिक लहदा भी टॉपिक पढ़ेंगे इसमें ये आता है कि कोई भी पर्सन ठीक है ये मोरालिटी नहीं है ना कि कोई भी पर्सन अपना ही केस सुनने का फर्ज करें मेरे कोई मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किया है ठीक है तो मैं जज भी हूँ तो मैं अपना केस खुद ही सुन रहा हूँ तो ये मोरालिटी तो नहीं है कि मैं अपना केस ही खुद ही या टाइम ऐसा होता है कि किसी जज के पास उसके बेटे का उसके रिलेटिव्स का किसी फ्रेंड का केस आ जाता है तो ये बेसिकली जो ना है ना नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ठीक है उसके बाद ऑडियो अल्टम पार्टम किसी भी पर्सन को सुने बगैर आप जो है ना फैसला नहीं सुना सकते ठीक है फ़र्ज़ करें दो पार्टीज का डिस्प्यूट आया आपके पास और आपने सिर्फ ये पार्टी को सुनाया और आपने कह दी ये पार्टी ठीक है रही है और आपने जो है केस सुना दिया ये भी नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ठीक है उसके बाद जो है रीज़नेबल डिसीजन होना चाहिए उसमें कोई आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस केस में ठीक है मतलब के आपने रीजंस को और जो एविडेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो ना आपने डिसीजन देना है तो ये बेसिकली भी जो है ना सोर्सेज में आता है उसके बाद जूडिस राइटर जितने भी आप जूडिस के वाले से पढ़ते हो कि इस इस बंदे ने ऑस्टिन ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है ठीक है उसके बाद सॉलमेंट ने लॉ की क्या डेफिनेशन दी है जॉन लॉकी ने क्या डेफिनेशन की दी हैल्थ है कैंसल ने क्या डेफिनेशन तो ये जितने भी जूडिस थे इन्होंने जो ना अपने मुताबिक जो है ना लॉ को इंटरप्रेट किया था तो ये भी बेसिकली एजा जो है ना सोर्सेस ये यूज़ होते हैं ठीक है तो ये जो है ना हमारा आज का टॉपिक था इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स पूछ सकते हैं इन चल जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो में तो दो रखेगा